सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एन वीडियो। आज की वीडियो होगी बीपीसीसी 107 की, जो कि हम लोग कंप्लीट करने की आखिरी यूनिट पे आ गए, जो कि हमारा नेता और नेतृत्व। तो इसमें हम लोग को क्या कवर करना है कि नेता की अवधारणा और भूमिका। नेता वो व्यक्ति है जिसका सामूहिक क्रियाओं और धारणाओं पर हमारा पर गहरा प्रभाव होता है। यह वह व्यक्ति है जो कार्रवाई शुरू करता है, आदेश देता है और निर्णय लेता है, समूह के सदस्यों के दंडों को संबोधित करता है, प्रेरणा प्रदान करता है, एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है और सभी संचालन गतिविधियों का केंद्र होता है। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक समूह का अंतर इस संदर्भ इस पर निर्भर है कि उसके पास औपचारिक नेता है या अनौपचारिक। बड़े संगठनों के में समान संगठनात्मक चार्ट होता है, और जो आदेश आधिकारिक श्रृंखला दिखाते हैं और निर्णय लेने, समस्या समाधान करने और पर्यवेक्षी पैटर्न, जैसे कि कंपनियां, सहकारी समितियां, विद्यालय, महाविद्यालय या छोटे समूह के विशेष कर्तव्यों के साथ निर्वाचित नेता होता है, जिसे हम लोग हर जगह कहते हैं कि क्या बोलते हैं, जो सब लोग वो बना लेते हैं, एक यूनिटी बना करके उसमें एक नेता खड़ा कर देता है। स्कूल में, क्लास में मॉनिटर होता है, और फिर अगर क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय में छात्र संघ के जो नेता होते हैं, और वैसे ही जो वर्कर में होता है, वर्कर में भी क्या होती है, उनकी अपनी एक ठो यूनिफॉर्म होती है, और उसमें एक नेता होता है जो यूनियन का नेता कहलाता है। हर जगह एक नेता होता है, वो सबकी अगुवाई करता है हर अच्छे बुरे काम में, लोगों की भलाई में। नेता की विशेषता, तो एक को भूमिका निभाता है, बेहतर संचार के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित करता है समूह में। नेता की क्या भूमिका होती है, तो उन्हें बेहतर संचार करता है, समूह के सदस्यों को कानून का पालन करने के लिए बोलता है, समूह के लिए प्रेरित करता है, समूह के अन्य औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, समूह की दक्षता पर निगरानी करना और बढ़ाना, समूह के बीच पारस्परिक संबंधों का विकसित करता है, समूह के सदस्यों के बीच विवादों को निपटाता और समूह की रणनीति दिशा देता है, विभिन्न स्थानों पर समूह के प्रतिनिधित्व करता है, समूह लक्ष्य को व्यक्त एवं संलग्न करता है, समूह प्रयास का उत्पादकता सदृश करता है और सामूहिक निष्ठा विकसित करता है, नए सदस्यों की भर्ती समूह की नहीं सॉरी मुख्य योग्यताओं में प्रशिक्षित करता है, जो उनकी योग्यता होती है उसे को प्रशिक्षित और उसे कौशल विकास करता है। ऐसा नेता की विशेषता होती है, शालीनता और ईमानदारी। ईमानदार और शालीनता होना चाहिए, ये नहीं कि ईमानदारी और शालीनता ना हो, शालीनता हो गई उसकी क्या बोलते हैं यार, कि उसको शालीन रहे, हमेशा सबकी बात सुने, ऐसे नहीं किसी की बात में खलखस गलत हो तो भड़क उठे। संचार अच्छा होना चाहिए, अभी अभियान एवं प्रेरणा, हमेशा अभियान चला के प्रेरणा लोगों में डालता रहे, आत्मसम्मान हो, बुद्धिमान हो, सहानुभूति हो, परिपक्वता हो, मतलब एकदम समझ में विकसित हो, ऐसे नहीं कुछ समझा रहा उसको समझ से परे चल रहा है वो चीज़, उत्तरदायित्व को बढ़ावा भावना हो, उसकी उत्तरदायित्व हो कि ये नेता है हम और हमारा दूसरे के प्रति कर्तव्य है, परिकल्पना और दूरदृष्टिता हो कि अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या 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 होगा, और ऐसा ऐसा ऐसे करेंगे तो क्या 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 क्या, दूर तक सोच पाता हो, जुनून हो कुछ करने का और लोगों में प्रभाव डाल सकता है, कि किसी भी चुनौती से लड़ने का प्रभाव डालने के लिए उसे प्रभाव डालने का आना चाहिए। नेतृत्व का प्रकार, तो नेतृत्व का प्रकार निरंकुश शैली 5, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। निरंकुश नेतृत्व शैली सबसे अधिक निराशाजनक व्यक्ति है। एक निरंकुश नेता प्राय यह मानता है कि किसी भी संदर्भ में वो सबसे उत्तम है, वो दूसरों की कहानी कभी नहीं सुनता, जो वो बोल दिया वो बोल दिया, जैसे कि आप मान सकते हो राहुल गांधी को, जो वो बोल देता है वो बोल देता है, उसके ऊपर कोई नहीं होता, बड़े बड़े नेता फिर पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। और सहभागिता शैली, सहभागिता नेतृत्व का वह रूप है जिसमें कोई निर्णय लेने के लिए सभी समूह सदस्यों के साथ कार्य करता है, सहभागी नेतृत्व का लोकतांत्रिक नेतृत्व के रूप में जाना जाता है। सहभागितापूर्ण शैली मतलब सबकी भागीदारी समान होती है, सब लोग की राय सुनी जाती है और फिर उस पर चर्चा वर्चा करके एक डिस्कशन तक पहुंचा जाता है,
अहस्तक्षेप शैली, मतलब किसी को किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया जाता कि तुम्हारी कहानी के बीच में हम आ जाए, हमारी कहानी के बीच में तुम आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। और आत्मरतिक नेतृत्व शैली, आत्मरतिक नेतृत्व नेतृत्व का एक रूप है जिसमें नेता केवल स्वयं के लिए विचार करता है, अपने लोगों, समूह और प्रतिभागियों को हानि पहुंचाकर केवल स्वयं को लाभ पहुंचाते हैं। यह नेता संकीर्णतावादी के विशेषताओं, अहंकार, श्रेष्ठता और आक्रामकता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे लालू यादव हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं, अपने बेटों के बारे में सोचते हैं। इतना उनका परिवार में शायद 10-11 उनके बच्चे हैं, उनके 10-11 बच्चे हैं। और विषाद विषाद नेतृत्व शैली, एक विषाक्त नेता यह व्यक्ति होता है जो किसी भी महासंघ या संघ के सदस्य के लिए जिम्मेदार होता है और समूह के संघ को बुरी परिस्थिति का ज्ञात होते ही उसे छोड़कर नेता का सदस्यों के संबंधों का शोषण करता है। मतलब कि जहां पर ही उसे कुछ ऐसा अनुभूति हुई कि उसके संघ या महासंघ में कुछ गड़बड़ है या कुछ ऐसा घटित हुआ है जो बाहरी अभी नहीं पता चलना चाहिए, तो वो उस संघ को छोड़ देगा और उसी को ब्लैकमेल करता है जिस संघ में घटित होता है कि हम ये चीज़ हम बाहर बता देंगे, अब हम तुम्हारे नेता के सदस्य नहीं रहे। ऐसा बहुत सारे पार्टियों में होता है कि पार्टी छोड़ते पार्टियों की बुराई करने लग जाता है। तो फिर होता है चमत्कारिक नेतृत्व शैली, इस प्रकार का नेतृत्व में नेता अपने कार्यकर्ती को प्रभुत्व दिखाता है। चमत्कार का अर्थ कार्यों को पूर्णतः बदलाव नहीं है, वर्तमान में इससे सदस्यों को आदर्शों और विश्वास को परिवर्तन की आवश्यकता है। चमत्कारिक नेता सकारात्मक व्यक्तित्व का लक्षण होता है और गुणियाइयों के विशाल समूह को आकर्षित करता है। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, मेधा पाटकर ऐसे नेता को उदाहरण है। नरेंद्र मोदी भी सुन सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना क्या लिख दिया है, बीजेपी वाली हो गई है ये बुक, ऐसा कमेंट कर देना। परिवर्तनकारी नेतृत्व शैली, परिवर्तनकारी नेतृत्व एक प्रकार का नेतृत्व के विपरीत संगठनों, समूहों, स्वयं और अन्य परिवर्तन की सुविधा से संबंधित है। परिवर्तनकारी नेता आरंभ में दूसरों को अपेक्षित कार्य से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और कभी कभी संभावित कार्य से भी अधिक कार्य करने करते हैं। वे अधिक कठिन लक्ष्य निर्धारित करते हैं और आमतौर पर उच्च परिणाम प्राप्त करता है। सांख्यिकीय रूप से परिवर्तनकारी नेतृत्व में सबसे प्रतिबद्ध और संतुष्ट अनुयायी होते हैं। यह अधिकांश इसलिए होते हैं क्योंकि अनुयायी परिवर्तन करने वाले प्रतिनिधित्व से प्रेरित होता है। चमत्कारी नेता वो होते हैं जो किसी भी चीज को ऐसा दिखा रहे थे 370 नहीं हट सकती थी, कभी कोई भी नहीं सोच सकता था 370 और 35 ये हट सकता है, लेकिन वो एकदम चमत्कार था और ये दिखा दिया गया उस दिन कि बहुत बड़े बड़े फैसले भी चुटकी बजा के ले सकती है अगर सरकार के पास बहुमत हो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। तो सम व्यवहार परक नेतृत्व शैली एक सिद्धांत या शैली है जिसे पहले 1947 समाजशास्त्र मैक्स वेलर द्वारा स्थापित किया गया और बाद में बर्नार्ड एम बॉस द्वारा विकसित किया गया था। इन्होंने परिवर्तनकारी नेतृत्व के विकास में अग्रिम भूमिका निभाई थी। इस नेतृत्व में एक विनिमय प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जिसमें सदस्य को नेता के निर्देशों को पूरा करने पर तत्काल लाभ प्राप्त होता है। मतलब एक चुनौती को पूर्ण करने पर, जैसा होता नहीं है एकाएक किसी चीज को टिकट दे दिया जाता है या कैबिनेट मंत्री में बना लिया जाता है। फिर नौकरशाही नेतृत्व शैली शिष्टाचार और प्रणालियों के एक अधिकतम औपचारिक समुच्चय के माध्यम से संगठनात्मक नेतृत्व के को संदर्भित करता है। कानून, नीति और पदानुक्रम यहाँ उद्देश्यों का एक स्पष्ट समुच्चय के साथ ही एक सुस्पष्ट श्रृंखला की स्थापना करता है। नौकरशाही के प्रत्येक स्तर पर संगठनात्मक सदस्य अपने तत्काल अधीनस्थों, नियमों के व्यापक परिस्थिति तंत्र के लिए बाध्य होता है। नौकरशाही के में परिभाषित कर कानूनों के माध्यम से वर्तमान प्रणालियों को लागू करने और पदानुक्रम के विशेष भागों पर शासन करने ते हुए नेतृत्व करते हैं। नौकरशाही मतलब वो होता है जो अपनी पार्टी का किसी एकदम ऐसे कमजोर को बना लेता है जो उसकी हर बात मानता है, वो फिर वो उसके थ्रू राज करता है। जैसे लोग कहते हैं रिमोट कंट्रोल की सरकार थी, रिमोट कंट्रोल की, इसे एक तरीके का आप नौकरशाही नेतृत्व शैली मान सकते हो, जबकि वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे थे। है
परामर्शात्मक नेतृत्व शैली परामर्शात्मक नेतृत्व नेता नियमित रूप से सहयोग के लिए सदस्यों की राय लेता है और सदस्यों की शिकायतों को गंभीरता से लेता है। उसके पास मुक्त द्वार नीति भी होती है जो सदस्यों के समूह में यह साझा करते हैं, इनकी अनुमति देते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। कभी नेता सदस्यों के साथ परामर्श करते हैं और किंतु वह सर्वोच्च निर्णय के लिए प्राधिकरण के अनिवार्य रूप से बनाए रखते हैं कि हमेशा परामर्श लेना लोगों से कि क्या सही है क्या गलत है, लोग क्या कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है, कौन अच्छे तरीके से सर्वोच्च निर्णय लेने वाले होते हैं जो अच्छा निर्णय लेके लोगों से काम करवाते हैं। और सामाजिक भावात्मक नेतृत्व शैली जो भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं, तनाव डर ये सबसे डरते हैं हमेशा। नेता में नेतृत्व के प्रकार होते हैं जो डर जाता है कि जनता पार्टी बदल देगी और जनता गिरा देगी या कोई निर्णय नहीं ले पाते, ये समाज हमें बहिष्कार कर देगा हमारा वोट टूट जाएगा और इस चक्कर में नेतृत्व नहीं ले पाते। पैतृक नेतृत्व शैली यह प्रबंधन करती है राजनीति प्रबंधन राजनीति जिसमें प्रमुख आधिकारिक व्यक्ति शामिल है जो कुल माता या कुल पिता के रूप में कार्य करता है, मतलब गॉड फादर के रूप में काम करता है, भागीदारों और कर्मचारियों के साथ वैसे ही व्यवहार करता है जैसे कि बड़े वास्तविक परिवारों के सदस्य होता है। बदले में नेता सदस्यों को विश्वास आज्ञाकारिता और वफादारी की आज्ञा करता है, मतलब एक तरीके से मान लो पैतृक नेतृत्व शैली मतलब कि क्या बोलना चाह रहा है कि जो होता नहीं है जिसे कहा जाता है क्या वंशवाद, एक तरीके से तुम उसको ऐसे समझ सकते हो। समाजवादी नेतृत्व शैली समाजवादी नेता समूह को सामाजिक क्लब की तरह चलाने का प्रयास करता है। यह नेता विकसित विकास में से अधिक महत्व मित्रता को देता है और दूसरे शब्दों में वह अपने सदस्यों को वास्तव में संतुष्ट करना चाहता है। अतः नेता एक सकारात्मक और अच्छा सामाजिक वातावरण प्रदान करता है, हर लोगों को अपना मानता है, अपने दोस्त की तरह लोगों का काम करता है और सबका विकास पे जोर देता है जिससे सबका अच्छे से विकास हो पाता है और सामाजिक अच्छा वातावरण बनता है एक दोस्ती का, कि वो किसी भी धर्म से हो जाति से हो लिंग से हो। स्थिति परक नेतृत्व शैली जहाँ जो कि नेता स्थिति परक रूप से भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं, नेता स्थिति के अनुसार अपनी शैली बदल लेता है, पैसा होने पर दबा देते हैं और कम पैसा होने पर दिखावा करता है कि हम गरीब है हम गरीब है। तंत्रिका संबंधी नेतृत्व पहले यह शैली एक प्रमुख यह शैली में कार्य उन्मुख नेता होता है जो अत्यधिक न्यूरोकैटिक है, वह किसी भी मूल्य पर कार्य पूर्ण करवाना चाहता है, किसी प्रकार को क्षति होने पर वह क्षुब्ध हो जाता है। नेता वास्तव में भावात्मक संवेदनशील एवं विचित्र होता है। निर्णय लेने में नेता अपने सदस्यों की परामर्श नहीं करता, नेता अपने निर्णय स्वयं ले लेता है, अपने आप को बहुत बड़ा मानता है वो, किसी के आगे नहीं झुकता है वो किसी भी मूल्य पर कार्य को पूर्ण करवाना चाहता है, बस करना है तो भाई करना है, मतलब एकदम बादशाही के रूप में काम करवाता है। फिर सामाजिक वर्गीकरण लिंग नस्ल और सामाजिक श्रेणी, जैसे कि सामाजिक वर्गीकरण हमारी धारणाओं को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए जब हम एक नए शिक्षक से मिलते हैं तो हम उसे पुरुष के रूप में वर्गीकृत करते हैं, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एशियाई एवं अकादमिक और इसी प्रकार का वर्गीकरण करते हैं। सामाजिक वर्गीकरण सामाजिक अनुभूति का एक स्वाभाविक लक्षण है, यह एक मानसिक शॉर्टकट प्रदान करता है जो हमें एक ही समुदाय में दूसरों के गुणों के आधार पर किसी व्यक्ति या गुणों का पता लगाने में मदद करता है। सामाजिक वर्गीकरण स्वयं और दूसरों के बीच एवं स्वयं के समूहों और अन्य समूहों के बीच का अंतर है और यह एक ऐसी प्राकृतिक और सहज घटना है जिसके बारे में हम प्राय नहीं जानते। ठीक है, रूढ़िवादी तथा पूर्वाग्रह के कारण उत्पत्ति में एक तीसरा परिप्रेक्ष्य का मूल रूप से शुरू होता है जो इसे सामाजिक वर्गीकरण कहा जाता है, कि एक समूह के सदस्यों की तुलना में दूसरे समूह के सदस्यों बारे में अधिक अनुकूल और चापलूसी करने की प्रवृत्ति में अंतिम आरोपण त्रुटि के रूप में जाना जाता है। द्वंद्व समाज में एक नेता की भूमिका, द्वंद्व प्रबंधन कौशल का उपयोग करने वाले नेता द्वंद्व समाज समाधान सॉरी द्वंद्व समाधान हो है समाज बोल दिया द्वंद्व समाधान में नेता में एक नेता की भूमिका, द्वंद्व प्रबंधन कौशल का उपयोग करने वाले नेता द्वंद्व समाधान के लिए समर्थन और दिशा प्रदान करता है। नेता का एक सामान्य गुण है कि वह उन समूहों का निर्माण करने में समक्ष होता है जो एकजुट होकर कार्य करते हैं और समूह के लिए
स्वर निर्धारित करता है। द्वंद्व की संकल्प को द्वंद्व के शांतिपूर्ण अंत की सुविधा में शामिल तकनीकों की प्रक्रियाओं के रूप में संकल्पित किया जाता है। समूह की बाकी सदस्य जैसे धैर्य मान्यताओं को बनाए रखने के कारण उनके विरोधाभासी उद्देश्यों में कार्य प्रणाली के बारे में और सामूहिक सौदेबाजी में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध समूह के सदस्य का नेता सामूहिक द्वंद्व को दूर करने का प्रयास करता है। तो द्वंद्व समाधान में एक नेता की ये भूमिका रहती है कि द्वंद्व क्या होता है। जैसे कि आप जब देख रहे हो तो कब नहीं पता, आज के समय में जब हम ये वीडियो बना रहे तब एक मणिपुर की घटना बहुत चल रही है, जिसमें एक द्वंद्व हो रखा है। दो समाजों के बीच में आपसी मतभेद है और झगड़े हैं। हर जगह ऐसी परिस्थितियां होती है, ज्यादातर राज्यों में कई बार हो जाती है। द्वंद्व एक दूसरे समाजों में हो सकती है, लिंग में हो सकती है, दो समूहों में हो सकती है। तो ऐसी स्थिति पे आज के समय में तो ज्यादातर केस सॉल्व करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं और बहुत अच्छे से सॉल्व करते भी है, उस चीजों को दबा देते हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें की भूमिका होती है, तो होती है प्रतिस्पर्धा, जिसमें होती है किसी व्यक्ति को बहस करने की इच्छा, पदानुक्रम, उसकी स्थान और उसकी वित्तीय शक्ति सबसे अधिक महत्व रखती है, जिसमें इसको दिखाया जाता है कि आपकी स्थिति के अनुसार आपकी सबसे अच्छी प्रतिस्पर्धा है उसको भेजा जाता है, व्यक्ति को जिसे पैसा से जो समर्थन कर सके, शक्ति से कर सके, स्थान से कर सके। फिर होती है समन्वयात्मक, जो समन्वयात्मक प्रणाली स्वीकार और सहकारी दोनों है। यह प्रतियोगी होने के विपरीत जिस व्यक्ति की बात की जा रही है रही हो, स्वागत करते समय दूसरों के पक्षों के मुद्दों को निपटने के लिए स्वयं के हितों और मूल्यों की उपेक्षा करता है, वह इस प्रणाली में आत्म बलिदान पर बल दिया जाता है। समन्वयता पर रहता है कि कुछ गवा करके भी, जैसे हम लोग ने बांग्लादेश से जो अपनी सीमा का साझा जो हम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश की, उसमें हम लोग ने कुछ सीमा मतलब कुछ जमीन अपनी तरफ से दे करके भी उसे संतोष करके वो सीमा किया और फेंसिंग अपनी कंप्लीट की। तो ये था कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन हम लोग भी इंडिया का कर दावा करते था। हम लोग ने कई जगह थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया और करते हुए उसमें समन्वयात्मक समायोजन के लिए एक अच्छे नेता की भूमिका के लिए उसमें जरूरत पड़ती है, जो अच्छे से बात कर सके, दोनों पक्षों को राजी कर सके। परिहार मॉडल गैर जिम्मेदारात्मक और असहयोगी दोनों है। व्यक्ति अपनी समस्याओं को दूसरों की समस्याओं से निपटाना नहीं चाहता है, यह अनिवार्य रूप से सुझाव देता है कि वह विवाद में भाग लेना नहीं चाहता है। कभी कभी परिहार एक राजनीतिक कदम के रूप में देखा जाता है, इसमें यह दिखा दिया जाता है हमें इसमें कोई है ही नहीं, हम जिस बात पर अड़े हुए हमें इस बात पर अड़े रहना है। जैसे कि इंडियन चीन बॉर्डर पे जो होता है, वो बोलता है कि ये जमीन हमारी है, हमारी ये जमीन है, हम बोलते थे हम इस बात पे बात ही नहीं करनी, जाओ हम मान चुके हैं जमीन हमारी है, जो जो करना जाओ जो कर लो, हम उस बात को आगे बढ़ाते ही नहीं। कितने लेवलों की बात हो जाती है, कमांडर उसके ऊपर मेजर वेजर करते हुए बहुत हायर लेवल तक की बात हो जाती है, हम लोग इस चीज से हटते ही नहीं है। हालांकि उस चीज को परिहार का एकदम राजनीतिक कदम के रूप में देखा जाता है, जहाँ पे एक ऊपर से रहता है कि इस चीज से हटने ही नहीं है, बस जिस चीज को तुमने अनिवार्यता और सुझाव के मतलब समस्या को निपटाना नहीं चाहता, वह अनिवार्य रूप से सुझाव देता है कि यह विवाद में हम भाग ही नहीं लेंगे, जाओ हम इस चीज से जो करना है कर लो। फिर होता है सहयोग करना, कि वो जो कर रहा है तो एक साथ काम करना सबसे लाभदायक परिणाम है। दूसरों को सहयोग करना कि आप ये कर रहे हो ये ठीक है, यह प्रणाली मुख्य रूप से साथ सहकारी भी है। यह प्रणाली परिहार के पूर्ण विपरीत है। सहयोग करने के लिए एक स्वैच्छिक प्रयास, पूर्व समाधान खोजने के लिए विपक्ष के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है। कई बार विपक्ष की सरकार होती है और दंगे होते हैं, तो उसमें उनको सहयोग करके उनकी अगर वो चीज़ बैठाना चाहते हैं तो हम लोग भी सरकार के सहयोग करते, भले ही वो विपक्ष का गठबंधन क्यों ना हो, क्योंकि सहयोग करके ही हम लोग द्वंद्व की नीति को दबा सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। दबाना सही शब्द नहीं होता है। समझौता, समझौता जहाँ दो लोगों के बीच में आराम से समझौता कर दिए, दो समूह के बीच में, दो जातियों के बीच में, और चीजों को आराम से हल कर लिए। तो यहाँ थोड़ा समझौता करिए, तुम यहाँ कर लेना, तुम वहाँ खेती कर लेना, ये जमीन में इतनी इतनी कर दी है, तुमको हम उस तरफ से अपनी तरफ से कुछ दे रहे हैं, तो ये सब चीजें होती है। तो सारांश आ गया, बुक कंप्लीट होने पे आ चुकी है। आप लोग को बुक कैसी लगी? बुक का इम्पोर्टेंट सीरीज आप लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी देख सकते हो कि बुक का क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बुक के जो हम एग्जाम के पेपर्स है वो भी अपलोड किए हुए हैं। तो बुक के एग्जाम के पेपर एग्जाम सीरीज में आपको जाके दिखेंगे, तो आप एग्जाम सीरीज भी बुक के पेपर की देख लेना,
उसमें एग्जाम पेपर्स रहते हैं। सेकेंड ईयर में के ये कोर्स है तो सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा, तो सेकेंड ईयर के एग्जाम पेपर की सीरीज में आपको BPCC 107 का एग्जाम पेपर मिल जाएगा। और किसी भी तरीके की जानकारी या सुझाव आप अगर अपने साझा करना चाहते हो और किसी भी तरीके की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपका, कमेंट बॉक्स में कभी भी कैसे भी कमेंट कर देना। और किसी तरीके की पर्सनल इन्फॉर्मेशन साझा करनी हो या किसी चीज़ पर अच्छे से बात करनी हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी लिंक पे मैसेज कर सकते हो। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं गाइस एक नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। सो हेल्पफुली मैं ये साझा मान सकता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी जिसमें बहुत मेहनत की जाती है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे अच्छे से अच्छा, और मैं ऐसी वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँ। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टाटा बाय बाय।